हेलो फ्रेंड्स, मैंने ये आसन बनाया है जो आप और बड़ा करेंगे। ये बॉक्स मैं बनाना दिखाती हूँ आप लोगों को। ये बॉक्स मैंने कैसे बनाया है और ये जो मैंने सिलाई किया है इसकी मैं लिंक दे दूँगी। मैंने पहले भी आसन बनाया है, तो यहाँ पर हम गांठ बांध लेते हैं। गांठ बांधने के बाद यहाँ पर हम 5 चेन लेंगे। 5 चेन लेने के बाद पहले वाले हुक में हम इस तरह से डाल लेंगे। ये डालने के बाद हम यहाँ पर सिंपल स्टिच कर लेंगे। सिंपल स्टिच करने के बाद 3 चेन लेंगे। तीन चेन ले लिया, सॉरी। अब यहाँ पर डबल क्रोशिया कर रहे हैं, तो यहाँ पर टोटल 11 चेन, सॉरी, डबल क्रोशिया 11 बनाएंगे। तो हम यहाँ 11 बार डबल क्रोशिया ले लेंगे। ये हो गई हमारी। यहाँ पर हम सिंपल स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ से धागा चेंज करेंगे। धागा काट बांध ली हमने धागे पर। अब यहाँ से हम 3 चेन लेंगे। पीछे का खींच लेंगे थोड़ा सा ताकि ये टाइट हो जाए। अब यहाँ पर हम डबल क्रोशिया ले रहे हैं। ये 3 हो गई, 4 और ये 5। तो यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया हो गया। ये देखिए, इस फंदे को मैंने बड़ा कर दिया है। अब यहाँ से इसको डालेंगे, ये इस तरह से ऊपर से इसको खींच लेंगे, इस वाले फंदे को इस तरह से खींच के, और एक चेन ले लिया। अब दूसरे वाले फंदे में जाएंगे और यहाँ से हम डबल क्रोशिया स्टार्ट करेंगे। 1, 2 3 4 5 यहाँ पर टोटल 5 डबल क्रोशिया है। अब यहाँ पर इस फंदे को बड़ा कर दिया। अब जो हमने पहले वाला लिया था उसमें से बीच में से डाल करके ऊपर से, ये देखिए, इस तरह से ऊपर से डालेंगे और यहाँ से इस फंदे को खींच लेंगे, तो ये पॉपकॉर्न डिज़ाइन हो जाएगा, पॉपकॉर्न पपड़ी हो जाएगी। इसी तरह से हम ये राउंड पूरा करेंगे। तो यहाँ टोटल 5 डबल क्रोशिया। दूसरे राउंड में भी वही पॉपकॉर्न डिज़ाइन करेंगे, पपड़ी। ये कुछ ऊंचा हो जाएगा, देखने में अच्छा लगेगा। इस तरह से हम फंदे को डाल लेंगे और यहाँ पर एक चेन ले लेंगे। यहाँ पर हम सिंपल स्टिच करके इसको बंद कर देंगे। अब यहाँ धागे को चेंज करके यहाँ पर 3 चेन लेंगे। तीन चेन लेने के बाद वही हम पॉपकॉर्न डिज़ाइन करेंगे। 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तरह से
ये फंदे को हमने बड़ा कर दिया। अब यहाँ से इसको खींचेंगे, आसान है, आप भी बनाइए। इस तरह से हम चेन ले लेंगे। चेन लेने के बाद दूसरे फंदे में हम वैसे ही जाएंगे डबल क्रोशिया करते करते। ये एक एक बॉक्स मैंने बनाकर फिर इसमें जोड़ा है, या आप आसन बनाइए, टेबल क्लॉथ बनाइए। इस तरह से हम ले लेंगे, इस फंदे को बड़ा करके इसमें डालेंगे। ये देखिए पहले वाले में ये दो हुक में हमने ले लिया, और इस तरह से हमें चेन ले लेंगे। अब ये राउंड इसी तरह से हम पूरा करेंगे इस लूप के साथ। ये हो गई हमारी, सिंपल स्टिच करेंगे। अब ये धागा हमने ज्वाइंट ही कर रखा था, इसको यहाँ पर डाल लेंगे। डालने के बाद हम यहाँ तीन चेन लेंगे। अब ये बॉक्स का कोन होगा, तो यहाँ पर हम टोटल 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 2 हो गया, ये 3, 4 और बीच में एक चेन होगा। फिर वही एक ही हुक में, एक ही फंदे में हम फिर 4 डबल क्रोशिया लेंगे। तो ये बॉक्स का कोन होगा, ताकि ये बड़ा हो जाए, फैल जाए। टोटल 8 डबल क्रोशिया है, बीच में चेन है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी हर कमेंट के रिप्लाई दूंगी। तो फिर हम दूसरे वाले फंदे में जाते हैं, तो यहाँ तीन डबल क्रोशिया करेंगे। फिर तीसरे वाले में भी 3 डबल क्रोशिया करेंगे। चौथे वाले में हम टोटल 8 डबल क्रोशिया करेंगे, बीच में चेन। इसी तरह से हम लेंगे, एक एक बॉक्स बना के हमें इसे जोड़ना है। आप सुई धागे से जोड़िए या फिर ऊल से जोड़िए। इस तरह से हम डबल क्रोशिया करते जाएंगे। यहाँ पर भी मैं 3 बार डबल क्रोशिया बना रही हूँ। फिर जो चौथे वाले में जाएंगे, वहाँ पर हम टोटल 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये आ गए हम इस कोन में। इस तरह से हम ये लूप को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए इस तरह से, जहाँ पर हम कोने में जाएंगे 2 राउंड में हम 3-3 डबल क्रोशिया करेंगे, और जहाँ कोने में जाएंगे वहाँ टोटल 8 डबल क्रोशिया करेंगे, बीच में एक चेन। अब यहाँ हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे ब्लू धागे के साथ। इसमें जहाँ हम कोने में जाएंगे हाफ डबल क्रोशिया करते जाएंगे, और जहाँ कोने में जाएंगे वहाँ पर हम टोटल 6 डबल क्रोशिया करेंगे, बीच में 2 चेन होगा। तो यहाँ हम कोने में आ गए, ये देखिए। अब यहाँ पर इस तरफ 3, इस तरफ 3, टोटल 6 हाफ डबल क्रोशिया, बीच में 2 चेन। ये 2 हो गई, ये 3, ये 3 हो गई, ये 2 चेन ले लिया। फिर वही हाफ डबल क्रोशिया 3 बार करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल भी बजाइएगा, शेयर कीजिएगा।
अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो मुझे कमेंट करिएगा। इस तरह से हम हाफ डबल क्रोशिया करते जाएंगे ताकि ये कॉर्नर पूरा हो जाए। आप चाहे तो इसे और भी बड़ा करिए, इस बॉक्स को और भी बड़ा करिए, इस आसन को और भी बड़ा करिए, देखने में अच्छा लगेगा। और जहाँ